Hey everyone, welcome to my channel. My name is Priya Dogra and I am back again with another video. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटेस्टली लॉन्च्ड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि आपको प्रोवाइड की जा रही है इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी. सो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी की ऑफिशियल गवर्नमेंट इंटर्नशिप के लिए जो कि आपको ऑफर की जा रही है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से. हर साल इनकी तरफ से ये इंटर्नशिप लॉन्च की जाती है. पिछले 2 साल से ये इंटर्नशिप वर्चुअल मोड पे चल रही है ड्यू टू कोविड सिचुएशन, बट इस बार ये फिजिकल मोड में होने वाली है. सो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है फिजिकली इन पर्सन जाके जो स्किल्स आप सीख सकते हैं वो वर्चुअल मोड में आपको नहीं मिल पाते हैं. सो स्टूडेंट्स अच्छा मौका है, आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बाकी आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स की बात करेंगे, छोटी से छोटी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगी कैसे आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे. बाकी अगर बात करें बेनिफिट्स की और एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, सो छोटी से छोटी डिटेल्स वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी. सो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा. बाकी चलते हैं हम डिटेल्स की तरफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्विटर अकाउंट हैंडल दिखाना चाहूंगी गुरुग्राम पुलिस का, जहां पे आप देख सकते हैं लेटेस्टली लॉन्च्ड ये साइबर सिक्योरिटी की समर इंटर्नशिप है फॉर द ईयर ऑफ 2022. इट इज बींग अनाउंसड नाउ एंड इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है 24th of May 2022. बाकी की डिटेल्स भी आप यहां पे देख सकते हैं. सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी उनका डिसीजन ही यहाँ पे फाइनल होने वाला है अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए तो. बाकी अगर आप कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं सो यहाँ पे फॉर्म का लिंक भी दिया गया है, क्लिक करते ही आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट उसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे. उससे पहले मैं आपको कुछ पिछली जो इनकी इंटर्नशिप्स हुई हैं उनके बारे में दिखाना चाहूँगी. जो इनका 8th batch था, अभी जो इनका लॉन्च हुआ है दैट इज़ 9th batch. 8th batch जो इनका था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल मोड पे इतने सारे कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी थी. बाकी अगर सर्टिफिकेशन की मैं बात करूँ सो बहुत सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में इनका सर्टिफिकेशन भी शेयर किया था. सो आप चाहें तो आप भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है, ये आप भी ले सकते हैं. बाकी अगर बात करें किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सो वो मैं आपको बताऊंगी. यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको कुछ और छोटी छोटी डिटेल्स भी मिल जाएंगी. सो 2022 के लिए अब ये साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप जो है वो फिजिकल मोड में होने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्राइटेरिया रखा गया है. सो कैंडिडेट जो भी यहाँ पे फिजिकली मूव करेंगे उनको अपना अकोमोडेशन खुद ही अरेंज करना होगा, इनकी तरफ से कोई आपको असिस्टेंस नहीं मिलने वाली है. बाकी फीस की अगर बात करें सो ना ही कोई फीस एप्लीकेशन के लिए रखी गई है, ना ही कोई फीस सिलेक्शन के लिए रखी गई है. सो बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये पूरा क्राइटेरिया चलने वाला है. इसके अलावा अगर स्टाइफन की मैं बात करूँ सो स्टाइफन भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ स्किल सीखने को मिलेंगे. सो वो भी बहुत अच्छी बात है, ना आपके कोई पैसे लगेंगे ना इनकी तरफ से आपको कोई स्टाइफन मिलेगा, बट स्किल्स आपको 100% बहुत अच्छे सीखने को मिल सकते हैं. बाकी सिलेक्शन की अगर बात की जाए सो सिलेक्शन टोटली इनके बोर्ड पर डिपेंड करती है. अगर इनको आपका एप्लीकेशन अच्छा लगता है सो आप यहाँ पे सिलेक्ट भी हो सकते हैं. सो एक ही क्राइटेरिया है सिर्फ कि आप अपना एप्लीकेशन अच्छे से भरिए और हो सकता है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएं. बाकी अगर ड्यूरेशन की बात की जाए सो इंटर्नशिप आपकी 1 month के लिए होने वाली है, जून से जुलाई तक. सो अभी आपके पास 24th May तक के टाइम है, आप इस एप्लीकेशन को फिल आउट कर सकते हैं. बाकी अगर बात की जाए क्या क्या डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना नाम देना होगा, ईमेल आईडी आपको देनी होगी, एड्रेस आप अपना दे सकते हैं, जो भी करंट एड्रेस है वो मेंशन कर दीजिए, मोबाइल नंबर जो कॉलिंग का नंबर होगा वही आप यहाँ पे देंगे, व्हाट्सएप का नंबर आपको अलग से मेंशन करना होगा. इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, 12th के मार्क्स यहाँ पे देने होंगे, परसेंटेज जो है वो अलग से आपको मेंशन करना होगा. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देनी होगी, बैचलर्स या मास्टर या कोई भी स्ट्रीम ईयर में आप हैं सो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा. सो अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में हैं तो आपको इस तरह से जो एग्जाम्पल दी गई है, अगर मान लीजिए आप बीटेक सीएससी कर रहे हैं सो आपको इस तरह से यहाँ पे मेंशन करना होगा कि बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर में आपके कितने मार्क्स हैं, सेकेंड में कितने हैं. सो एक एक करके जितनी भी ईयर में आप हैं वो सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी. लास्ट सेमेस्टर जो भी रहा है आपका उसका परसेंटेज CGPA आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा. बाकी यहाँ पे बताई गई है कि अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी सिटी स्टेट में है सो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. कॉलेज आपको अलग से लिखना होगा, यूनिवर्सिटी अगर है तो वो मेंशन कर सकते हैं, साथ में आपको सिटी इंक्लूड करनी होगी और स्टेट इंक्लूड करना होगा. सो ये आपका
इस सेक्शन में आपको फिल आउट करना है, बाकी होम टाउन आप बता सकते हैं सिटी स्टेट के साथ, और आपको मेरिट अपना बताना होगा, अचीवमेंट्स क्या रही है, चाहे वो डिबेट कंपटीशन से रिलेटेड हो, कोई साइंस कंपटीशन से रिलेटेड हो, कोई कॉलेज फेस्ट हुआ हो, हैकाथॉन है कोई, सो आप यहाँ पे उसकी अपनी अचीवमेंट की लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है कि क्यों आपको गुरुग्राम पुलिस के साथ ये इंटर्नशिप करनी है। 100 वर्ड्स में मेंशन करिएगा, अच्छे से लिखिएगा इस चीज़ को, बिकॉज इसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन मैटर करती है। इसके अलावा आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में, सो वो आप मेंशन कर सकते हैं। सो एक चीज़ का मैं आपको और बताना चाहूँगी, इन केस अगर आपको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, सो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम आए, सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अपने स्किल्स बूस्टअप कर ले। उसके लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोज़ डाली हैं। आप जा सकते हैं स्किल अप के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर भी साइबर सिक्योरिटी के फ्री कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, साथ में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। सो ये आप देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के कुछ कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके इन्हें पढ़ सकते हैं। इन केस अगर आपको मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। सो ये है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी मांगी जा रही है फॉर कॉल और इंटरव्यू, सो आप बता सकते हैं इधर यू आर फ्री फॉर 8 to 10 AM और 6 PM to 8 AM, सो दो टाइमिंग्स हैं, इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स देने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए और आपकी ये एप्लीकेशन फॉर साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप 2022 बाई गुरुग्राम पुलिस 9th batch कंप्लीट हो जाएगी। सो ये है पूरा प्रोसेस इस इंटर्नशिप के लिए, बाकी अगर बीच में कोई भी डाउट रह जाता है सो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, पसंद आए इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।